हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धान में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में रेवदा टीम ने मारी बाजी, जिरावल की टीम रही उप विजेता। धान में आयोजित चार दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ समापन। कस्बे के समीपवर्ती धान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 65वीं जिला स्तरीय कबड्डी खेल कूद प्रतियोगिता 19 वर्ष आयु का समापन गुरुवार को हुआ। समापन समारोह के दौरान कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अर्जुन राम पुरोहित, सिरोही जिला प्रमुख व अध्यक्षता जगसी राम कोहली, विधायक रेवदर, विशिष्ट अतिथि राधिका देवासी, प्रधान रेवदर मोती राम कोहली, जिला परिषद सदस्य खेल पर्यवेक्षक सुमनेश विश्वकर्मा, प्रधानाचार्य दांतराई, शंकर लाल राणा, सरपंच ग्राम पंचायत धान व संरक्षक पूनम सिंह सोलंकी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रेवदर की उपस्थिति में समापन समारोह का आयोजन हुआ। अतिथियों का धान पहुंचने पर ग्रामीणों की ओर से ढोल धमाकों के साथ सामया से स्वागत किया गया तथा अतिथियों का माला साफा व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। प्रतियोगिता के दौरान विजेता टीम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेवदर तथा उप विजेता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिरावल की टीम रही। विजेता व उप विजेता टीम को शील व स्मृति चिन्ह देकर खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था धान के ग्रामीण वासियों ने की तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भामाशाहों के सहयोग से की गई। जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित ने कहा कि जीतना व हारना जीवन का नित्य कर्म है और खिलाड़ी को हमेशा हार व जीत को एक ही नजरिए से देखना चाहिए। जो जीत गया वो तो अगली मंजिल की ओर आगे बढ़े और जो हार गया वो आगामी दिनों में जीत का प्रयास करे तथा उन्होंने ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं से परिचित करवाया तथा ग्राम पंचायत धान के लिए वे हमेशा विकास के लिए तैयार रहेंगे तथा सुजल योजना व अन्य नरेगा कार्यों में रोजगार सृजन के लिए ग्राम पंचायत धान के सरपंच शंकर लाल राणा को निर्देश दिए। इसी क्रम में विधायक महोदय ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि खिलाड़ी वो होता है जो सभी को साथ लेकर चलता है तथा टीम भावना के साथ काम करता हुआ अपने नेतृत्व में टीम को जीत कर मंजिल दिलाता है। जिला परिषद सदस्य मोतीराम कोहली ने कहा कि ग्राम पंचायत धान ने पूर्व प्रधान के समय में तथा वर्तमान समय में भी उन्हें जिताने के लिए भरपूर मेहनत की है तथा जीत का श्रेय समस्त ग्रामीणों को दिया तथा गांव के विकास के लिए वो हमेशा अपनी आवाज को उठाने का तथा विकास के लिए भरपूर सहयोग देने का वादा किया। इसी क्रम में प्रधानाचार्य व खेल संयोजक महेश प्रजापत ने कहा कि ग्राम वासियों के सहयोग से इस प्रतियोगिता का आगाज संभव हो पाया है। उन्होंने सभी ग्रामीणों को धन्यवाद दिया तथा भामाशाह का स्वागत किया व इसके बाद समस्त खेल प्रभारियों का भी स्वागत स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। खेल प्रभारियों में मुकेश पुरोहित, देव किशन पुरोहित, अमृत राज पुरोहित, भैरा राम देवासी, मोटा राम देवासी, पुखराज, चुन्नी लाल व अन्य कई कर्मचारियों ने व्यवस्थाओं का जिम्मा संभालना और ग्रामीणों की ओर से एडवोकेट धनराज पुरोहित ने गांव की समस्याओं से विधायक महोदय तथा जिला प्रमुख महोदय को अवगत करवाया। इसमें विधायक महोदय ने विद्यालय में चार दीवारों के लिए 5 लाख रुपए की राशि का परकोटा बनाने की घोषणा की। इस पर ग्राम पंचायत सरपंच शंकर लाल राणा ने ग्रामीणों की ओर से आभार जताया। इस कार्यक्रम में बाबूलाल पुरोहित दांतराई, ग्रामीण भावाराम, मानाराम, वाला राम, अचला राम व मोहन पुरोहित, कैलाश पुरोहित व दलपत पुरोहित, रमेश रावल, प्रभु सुतार व जोरा राम, सादला राम, हीरा राम व शंकर प्रजापति व सभी ग्रामीण मौजूद थे। जागरूक टीवी के दांतराय से पूनम चंद पुरोहित की रिपोर्ट।